टोनी स्टॉक की हमारी दुनिया को क्या हो रहा है? कभी तो गाइस यहाँ पर चांद नजर आ रहा है, कभी सूरज। फ्रैंकलिन, मुझे लग रहा है यहाँ पर चांद और सूरज की लड़ाई हो गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो सिर्फ कहानियों में सुना है मैंने कि चांद और सूरज एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन टोनी स्टॉक कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। देख तो सही, इतनी जल्दी दिन और रात कैसे हो सकती है? बिल्कुल फ्रैंकलिन, कुछ तो गड़बड़ है। ओ माई गॉड फ्रैंकलिन, ये क्या हो रहा है? ओ डो राय, अरे बाप रे गाइस, अब तो तबाही होना भी स्टार्ट हो गई। अरे नहीं नहीं, इसका मतलब गाइस कोई सीरियस इशू है, हमें इस बात पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अरे चल क्या रहा है, कोई है? अरे कोई हमारी करो। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन इधर आ जल्दी से। कहां पर क्या तू? स्टॉक, स्टॉक। अबे फ्रैंकलिन, मैं तुझे कुछ अजीब दिखाने वाला हूं, डरना मत। क्या 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 दिखाने वाला है तू? भाई वो देख क्या गिर रहा आसमान से। ओ माय गॉड गाइस, ये तो गोल गोल है। एक तो गाइस मून गॉड का सिंबल है और एक सन गॉड का सिंबल है। गाइस अबे फ्रैंकलिन, कहीं हमारे मून गॉड एंड सन गॉड मर तो नहीं गए? उस वजह से यहां पर दिन और रात और दिन तो नहीं होते जा रहे हैं। ओ नो 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 गाइस, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? अरे मेरी मदद करो, हमारी मदद करो। अरे गाइस, ये तो दो लोगों की आवाज है, क्योंकि फ्रैंकलिन ये ऑल फादर सन एंड मून गॉड जो ठहरे। ऑल फादर सन एंड मून गॉड इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? फ्रैंकलिन, ये जो दो दो गोले गिरे थे ना, एक मून गॉड का सन गॉड का, ये वही है क्या? ये उन्हीं में से ट्रांसफॉर्म हुआ है। मेरे बच्चों, एक समय था जब हम कभी 20 हेडेड हुआ करते थे, हमारी मदद करो। लेकिन हुआ क्या? बताते हैं हम मेरे बच्चों, मैं और मून गॉड साथ रहा करते थे, हम ऑल फादर सन एंड मून गॉड थे। अब फ्रैंकलिन, ये कितने हेडेड है भाई? ये 20 हेडेड है क्या? बिल्कुल मेरे बच्चे, एक समय की बात है, हम ऑल फादर 20 हेडेड सन एंड मून गॉड हुआ करते थे। हमारे पास सारी की सारी पावर्स हुआ करती थी, बहुत ही कमाल की पावर्स का इस्तेमाल करके हम पूरे ब्रह्मांड के सारे तारे सितारे ब्रह्मांड के प्लैनेट्स को संभाला करते थे। लेकिन सब कुछ तबाह होने वाला था। क्या क्या मतलब तबाह होने वाला था? यहाँ पर ये जो स्पेशल पावर्स थी, इसकी मदद करके जब आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर दिन और रात होने की? क्योंकि हमारे सामने ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड आ गया था और उसने हमारे हेड्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया और उनकी सुपर पावर्स भी चुराना स्टार्ट कर दिया। मैं और मेरा भाई मून गॉड बहुत कोशिश कर रहे थे अपने हेड्स को बचाने की। गाइस ये क्या? अबे टोनी स्टॉक देख, ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड यहाँ पर ऑल फादर सन एंड मून गॉड के हेड्स को गायब कर रहा है। अबे फ्रैंकलिन, इतना नहीं, जैसे जैसे ये ऑल फादर मून एंड सन गॉड के हेड्स को गायब कर रहा है, यहाँ पर ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड इतना ही पावरफुल हो रहा है। अबे टोनी स्टॉक, ऐसे तो यहाँ पर ही सब तो हो जाएगा। मेरे बच्चों, एक एक करके उसने मेरे भाई ऑल फादर मून गॉड के हेड्स को खत्म कर दिया और यहाँ पर वो बन गया था हमारे सामने ही देखते देखते ऑल फादर 10 हेडेड आइस एंड लावा गॉड। क्या? ऑल फादर 10 हेडेड, वो भी आइस एंड लावा गॉड? बिल्कुल सही कहा। उसके बाद, लेकिन एक मिनट, आपने उन पे हमला क्यों नहीं किया? मेरे बच्चों, मैं समझ चुका था कि मेरे भाई का वो कातिल है, इसलिए मैं तैयार हो गया था लड़ने के लिए और मैंने बहुत कोशिश की इसको मारने की। बिल्कुल, मेरे भाई ने मेरे हेड्स को वापस लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया और ऑल फादर एंड आइस एंड लावा गॉड चला गया। और ये कौन है? इसको कहते हैं ऑल फादर गॉड। नो गाइस, ये तो रियल ऑल फादर गॉड है। अब फ्रैंकलिन देख, यहाँ पर ऑल फादर रियल गॉड ने भी हमारे बेचारे से खतरनाक तरीके से, कितनी बुरी तरह से यहाँ पर ऑल फादर सन गॉड पे हमला स्टार्ट कर दिया है। इतना नहीं, उसने अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया जिससे कि वो मेरे सारे हेड्स को अब्सॉर्ब कर ले और यहाँ पर खुद 10 हेडेड हो जाए। ओह नो टोनी स्टॉक, ये तो बहुत गलत है। गाइस आप सभी को हमारे ऑल फादर सन मून गॉड की मदद करनी होगी। प्लीज जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब इस बात पे। बिल्कुल गाइस, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ऑल फादर गॉड इतना बड़ा हो गया और उसने ऑल फादर सन एंड मून गॉड को तबाह कर दिया। अभी क्या नहीं था मेरे बच्चों, अभी तो वो सिर्फ बड़ा हुआ था, उसके बाद उसने अपने हेड्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर वो बन गया 10 हेडेड ऑल फादर सन गॉड और लावा गॉड, सारे गॉड्स। हाँ बिल्कुल गाइस, तभी से इसको ऑल फादर गॉड बोला जाता है। बिल्कुल, और हमें उसने बना दिया एक छोटा सा सन का सिंबल और मून का सिंबल, इसी वजह से दुनिया में तबाही आ रही है। तुम्हें इस तबाही को रोकना होगा, तुम्हें यहाँ पर सुपर पावर्स गेन करनी होंगी हमारे लिए, लेकिन हम ये कैसा कर पाएंगे? एक मिनट, ये क्या है? इसका इस्तेमाल करो, जैसे ही तुम इसके अंदर जाओगे तुम्हें तुम्हारी राह मिल जाएगी। गाइस ये क्या है? मैं जाता हूँ। एक मिनट टोनी स्टॉक जल्दी आ। आराम आराम भाई। गाइस ऐसा क्या है इसमें? गाइस आप एक काम करो, प्लीज लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब। मुझे तो कुछ गड़बड़ कर लग गया। हाँ तो बच्चा लोग, जिस
इसको भी यहाँ पर ऑल फादर सन एंड मून गॉड की पावर्स लेनी है, उसको ऐसे ऐसे करनी होगी। ये क्या है डॉक्टर मिक्सेट, आप इधर क्या कर रहे हैं? और मैंने सुना है यहाँ पर इस खतरनाक ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड ने ऑल फादर सन एंड मून गॉड की पावर चला लिया है, जिस वजह से ऑल फादर टेनेडेड बन गया। समझ के लेकिन हमें भी यहाँ पर उसके लिए ना इनकी पावर चुरानी होंगी। उसके लिए काम करो, जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करा दो, साथ साथ में कमेंट में टीके मारो पे लिखवा दो। गाइस प्लीज कमेंट में जल्दी टीके मारो पे लिखो। ओबे टोनी स्टार्क देख, यहाँ पर ये ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड है, इसी ने तो हमारे ऑल फादर सन एंड मून गॉड की 10 हेड्स को चुराया था। बिल्कुल फ्रैंकलिन, लेकिन पावर छुपे गए हैं। हाँ तो बच्चा लोग, जिसको भी यहाँ पर ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड से ऑल फादर सन एंड मून गॉड की पावर चुरानी है, तो उनको यहाँ पर ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड के हेड्स पे रखे इन खतरनाक पोर्टल्स को चुरानी होगी। माना गया है यहाँ पर ये बहुत ही खतरनाक पोर्टल्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन यहाँ पर दो टीम जाएंगी, एक है ब्लैक स्टार गॉड और साथ साथ में वाटर गॉड। अबे टोनी स्टार्क, ब्लैक स्टार गॉड एंड वाटर गॉड तो हमसे पहले चले गए। फ्रैंकलिन मुझे तो डर लग रहा है भाई, मैं नहीं जा रहा, मैं तो काम करता हूँ, मैं तो आइस गॉड की तरफ से चलता हूँ क्योंकि वो लावा गॉड तो ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, मुझे ना गर्मी से ज्यादा ठंड पसंद है, इसलिए हम आइस गॉड की तरफ से जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ ब्लैक स्टार गॉड और वाटर गॉड की टीम करेगी क्या, बाकी हम तो छुप छुप के जा रहे हैं बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल यार, लेकिन मुझे भी तो लग रही है। लेकिन भाई हमें यहाँ पे काम जल्दी से करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ओह नो गाइस, हम तो यहाँ पे ठंड ठंड में ठिठर जाएंगे। अबे देखो देखो इन लोगों को, अबे फ्रैंकलिन यहाँ पर एक तो हमारी ऐसी हालत हो रही है, ऊपर से ब्लैक स्टार गॉड और वो उसका दोस्त वाटर गॉड हम पे हंस रहे हैं। देखो 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 दोनों को, इंसानों को क्या हो गया? अरे नहीं, जल गया मैं तो। अरे भाई तुझे क्या हो रहा है? अरे जल रहा हूँ मैं, मूर्ख, बचा मुझे, तू वाटर गॉड है अपने पानी से। अरे मेरा पानी भी उबल गया, मैं अभी मर रहा हूँ, बचा लो। अबे फ्रैंकलिन देख, शुक्र है यहाँ पर हम सिर्फ जमे हैं, वो लोग तो जल रहे हैं लिटरली में आग में, क्योंकि ये लावा गॉड के ऊपर। अबे फ्रैंकलिन देख, ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर ब्लैक स्टार गॉड की टीम को तो यहाँ पर हरा दिया लावा गॉड ने। अरे गाइस जल्दी से कमेंट में हेल्प मी ऑल फादर सन मून गॉड लिखो, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। अरे वाह गाइस देखिए, यहाँ पर एक साथ से पता नहीं क्या हुआ, बर्फ से बाहर निकल कर आ गया मैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन, मुझे भी यहाँ पर ऐसा फील हुआ, और देख मैं भी बर्फ से बाहर निकल आया हूँ। गाइज यही सही मौका होगा, फ्रैंकलिन चल जल्दी चलते हैं, हमें यहाँ पर एक काम करना होगा, ऑल फादर लावा एंड आइस गॉड की आधी पावर को मुझे चुराना होगा, आधी पावर को तुझे चुराना होगा। बात तो दूसरी कैरेक्टर स्टार्क, सुन मेरी बात सुन, जल्दी सुन गाइज। ओके यहाँ पर मैं काम करता हूँ, आइस गॉड की जितनी पावर्स हैं उनको चुरा लेता हूँ, और बाकी टोनी स्टार्क लावा गॉड की जितनी पावर्स हैं उनको चुरा लेगा। उसके बाद दोस्तों हम सारे गाइज, जैसी मैंने पावर चुराई यहाँ पर ऑल फादर आइस गॉड का हेड गया। नहीं, ये मेरी कौन पावर चुरा रहा है? मेरे भाई की पावर कौन चुरा रहा है? किसकी इतनी हिम्मत? अरे बाप रे गाइज, ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड तो बहुत गुस्से में। अबे फ्रैंकलिन मैं जल्दी करना होगा। कर रहा हूं भाई, वही तो कर रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं इतनी देर से। ओरे बहुत जोर से लग गई रे, क्या ही हालत होगी मेरी। खैर कोई नहीं गाइस, अबे फ्रैंकलिन मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर चुरा चुका हूँ, और लिटरली मेरी भी हालत खराब हो गई है, लेकिन देख मैंने यहाँ पर कितनी सारी पावर चुराई, और फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने और फ्रैंकलिन ने साथ में मिलकर इस ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड की सारी पावर चुरा ली है, जो कि हमारे ऑल फादर सन एंड मून गॉड के। अबे टोनी स्टार्क बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। फ्रैंकलिन हमें जल्द से जल्द, अबे एक मिनट, ये तो वही पोर्टल है जिससे हम यहाँ पर आए थे, चल इसमें वापस चलते हैं, क्या पता हम इससे ऑल फादर सन एंड मून गॉड के पास वापस हो जाए। बात तो सही कह रहे हैं, कुछ तो होगा, कमोन। अबे वाह टोनी स्टार्क इस पोर्टल के थ्रू वापस आ गए। अरे वाह फ्रैंकलिन, एक मिनट, लेकिन ऑल फादर सन मून गॉड कहाँ है? मेरे बच्चे हम यहाँ पर हैं। और यहाँ पर हैं मेरे बच्चों, जल्दी आ जाओ और यहाँ पर इन पावर्स को हमें दे दो। क्या बात है फ्रैंकलिन, मैं तो ये सोच रहा हूँ इन पावर्स को हमने दे तो दी, लेकिन हमें क्या मिलेगा? तुम्हें बदले में गिफ्ट मिलेगा, चिंता मत करो, हमें तुमसे बहुत प्यार है बच्चों, तुम चिंता मत करो। क्या बात है फ्रैंकलिन, देख हमारा ऑल फादर सन एंड मून गॉड वापस से बड़ा होने लग गया। ओह माय गॉड गाइस, देखिए यहाँ पर ना टोनी स्टार्क और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अगर आप सभी देख रहे हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना। देखिए ऑल फादर मून एंड सन गॉड वापस से बड़े होने लगे। माय गॉड गाइस देखिए क्या ही डेडली कॉम्बो लग रहा है। अभी तो फिलहाल ऑल फादर सन एंड मून गॉड ना सिर्फ 10 हेडेड है, मैंने सुना है ये 20 हेडेड हो सकते हैं। बिल्कुल मेरा बच्चा, बिल्कुल हम दोनों भाई मिलकर ऑल फादर 20 हेडेड सन एंड मून गॉड बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी और मदद करनी होगी, लेकिन पहले हम तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट देते हैं। हमें हमारे गिफ्ट देते हैं, लेकिन कहां पर है सर? पीछे देखो एक में। अब फ्रैंकलिन तो ऑल फादर सन एंड मून गॉड आई मैन और हल्के सूट है, क्या बात है फ्रैंकलिन, मैं तो उसको पहन लिया। मैं भी तो पहनो, एक मिनट टोनी स्टार्क कहाँ गया गाइस, सूट पहनने की बात कर दो। अबे मैं ये कहाँ गया? अबे टोनी स्टार्क ये कहाँ गया? हाँ तो बच्चा लोग, जिसको भी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से ऑल फादर सन एंड मून गॉड की पावर चुरानी है, तो यहाँ पर उसको ऐसा करनी होगी। गाइस डॉक्टर मिक्सिट तो फिर से आ गए, एक मिनट ये तो ऑल फादर गॉड है। तो बच्चा लोग यहाँ पर ऑल फादर गॉड ने कुछ टाइम पहले ऑल फादर सन एंड मून गॉड की पावर चुराई थी, जिसके वजह से यहाँ पर ऑल फादर गॉड सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया और टेनेड हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑल फादर गॉड के पास हर वे
वैरायटी का गॉड मिलेगा, आइस गॉड, अर्थ गॉड, इतना ही नहीं रेड सन गॉड और वाटर गॉड या फिर खतरनाक स्काई गॉड, फायर गॉड, इन सभी गॉड्स की पावर चुराकर तुम ताकतवर बन सकते हो। अरे सबसे पहले मैं जाऊंगा ही। गाइस ये तो रेड एंड ब्लू हल्क जा रहा है। अबे फ्रैंकलिन हम किसी और को इन पावर्स को नहीं चुराने दे सकते, ये हमें वापस से ऑल फादर सन एंड मून गॉड वापस करनी होगी। अबे हम नहीं देंगे उसको वापस, हम अपने पास रखेंगे। नहीं यहाँ पर पावर्स तो मैं ले रहा हूँ बच्चू, यहाँ पर तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। गाइस मैं फाइनली अर्थ गॉड के ऊपर आ चुका हूँ, ये ऑल फादर गॉड की वैरायटी का एक और मेंबर है। अरे बाप रे, निकल जाओ यहाँ से, तबाह कर दूंगा, मुझसे कोई पावर नहीं चुरा सकता ऑल फादर सन मून गॉड की। अरे गाइस टोनी स्टार्क को तो बहुत भी तरह से पीट दिया। अरे फ्रैंकलिन मार दिया भाई मुझे। अरे नहीं नहीं टोनी स्टार्क अब हम क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें कुछ और प्लानिंग लगानी पड़ेगी फ्रैंकलिन, बिना प्लानिंग के हम यहाँ पर ऑल फादर से अपने ऑल फादर सन एंड मून गॉड की पावर नहीं चुरा सकते। मैं जाता हूँ, मैं तो सन गॉड से यहाँ पर पावर चुराऊंगा। अरे वाह, मैंने यहाँ पर जैसी पावर चुराऊंगा मैं खतरनाक हो जाऊँ। अच्छा ऐसी बात है, मैं तेरा दोस्त को पहले मारूंगा। अरे अरे दोस्त बचा मुझे, ये मुझे मार रहा है। अब फ्रैंकलिन देख यहाँ पर हमारी जो दूसरी कॉम्पिटिटिव टीम थी उसकी क्या ही हालत कर दी है सन गॉड ने लिटरली में। अरे नहीं मेरे दोस्त को मार दिया, मुझे भी मार दिया, क्या ही हालत कर दी मेरी, मैं तो बहुत ही बुरी तरह से पिट गया। अबे टोनी स्टार्क लिटरली में मैं तो चाहता नहीं हूँ मेरे साथ ये हो, भाई क्या ही पीटा है। हाँ फ्रैंकलिन मैं तो देख कर ही डर गया लिटरली में। अबे भाई लेकिन अब हम क्या करेंगे। अरे पास एक फ्रेंड है फ्रैंकलिन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी स्पीड में जाएंगे और जाकर इनकी सारी पावर जीएंगे। अबे भाई ये कैसा घिसा पिटा है। अरे बाप रे गाइस ये फायर गॉड तो बहुत खतरनाक है, इससे पहले गाइस कोई और टीम आए और यहाँ पर इन सारे गॉड्स की पावर चुरा कर हमारे ऑल फादर सन एंड मून को जिंदगी भर के लिए ऐसे ही छोड़ दे, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ पर इन सारे ऑल फादर गॉड से पावर चुराऊंगा क्योंकि इन सभी का हक ना ऑल फादर सन एंड मून गॉड के पास है, वही हमारी दुनिया को दिन और रात देते हैं गाइस, इसलिए हमारा हक बनता है कि हम ऑल फादर सन एंड मून गॉड की मदद करें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखना। देखिए मैंने जहां पर जैसी ऑल फादर गॉड की पावर चुराने स्टार्ट कर दी है, यहां पर ना ऑल फादर गॉड के हेड जो है अपने आप गायब हो रहे हैं। नहीं हमारी पावर्स कौन छीन रहा है। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, वेल डन, बहुत सही कर रहा है। लेकिन गाइस मुझे लग रहा है इनकी पावर्स लेने में ना आज घंटों निकलने वाला है और तेल भी निकलने वाला है हमारा। फ्रैंकलिन तो चिंता मत कर, इसी तरह से अगर मेहनत करेंगे अगले एक दो घंटे में हम ले लेंगे। गाइस देखिए ये एक और पावर है, ये स्काई गॉड की थी। फाइनली गाइस मैंने कितनी सारी पावर ले ली है, लेकिन एक मिनट अभी तो वाटर गॉड है, आइस गॉड, सन गॉड और फाइनली गाइस मैंने और टोनी स्टार्क ने पूरे दो घंटे मेहनत करके ऑल फादर गॉड की सारी पावर्स को चुरा लिया है। टोनी स्टार्क अब चल जा, एक मिनट ये कौन आ रहा है, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अबे वो तो ऑल फादर गॉड आ रहा है, हम तुम्हें मार देंगे। गाइस यहां पर हम जैसी पोर्टल में आए हम वापस से ऑल फादर सन एंड मून गॉड के पास गए। अबे बाल बाल बच गए फ्रैंकलिन, ऑल फादर गॉड हमारे पीछे आ रहा था। वाह मेरे बच्चों वाह, अरे वाह बच्चों तुम ऑल फादर सन एंड मून गॉड के लिए और पावर्स लेकर आ गए। अब देखो अब हम बनने जा रहे हैं दुनिया में पहली बार इंसानों के सामने ऑल फादर 20 हेडेड सन एंड मून गॉड। अबे फ्रैंकलिन ये तो रियल सन गॉड का हेड है। अबे हां टोनी स्टार्क ये देखिए देख, ये तो रियल आसियान टाइप के सन गॉड का हेड है। बिल्कुल फ्रैंकलिन इतना ही नहीं, मुझे तो लग रहा है अभी यहां पर सन गॉड के और भी हेड आने वाले हैं क्योंकि पहले मून गॉड के आए थे। अबे ये तो रेड सन गॉड आ रहा है, लिटरली में ये रेड सन गॉड ही आ रहा है। गाइस क्या ही खतरनाक लग रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा हूं जब यहां पर ये टोटल ऑल फादर 20 हेडेड हो जाएंगे तो कैसे लेंगे। बिल्कुल फ्रैंकलिन ये देख गाइस एक बार देखिए कितने ज्यादा विशाल है यहां पर ऑल फादर 20 हेडेड सन एंड मून गॉड। लेकिन फ्रैंकलिन बात समझ आ रही, मुझे मेरा गिफ्ट नहीं मिला। बच्चों चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट भी मिल जाएगा। बिल्कुल बच्चों तुमने हमारी मदद की है, हम बन गए ऑल फादर 20 हेडेड सन एंड मून गॉड, इसलिए तुम्हारा तुम्हें गिफ्ट भी दिया जाता है। बहुत है गाइस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं अपने गिफ्ट के लिए। बिल्कुल फ्रैंकलिन मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा है। गाइस मुझे आपसे भी कुछ दिखाना है, ये हमारे पुराने सूट है ऑल फादर सन एंड मून गॉड हल्क एंड आयरन मैन के। अब गाइस हमारे पास ऑल फादर सन एंड मून हल्क एंड आयरन मैन के नए सूट आ चुके हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन इसके पास ना खतरनाक तरीके की पावर्स है, मेरा आयरन मैन के सूट में हर एक तरह के ऑल फादर सन एंड मून गॉड की पावर छुपी है। गाइस अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखना है तो प्लीज कमेंट में पार्ट 2 लिखिए, और हां बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।